तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात हुआ भैया। क्या खुशखबरी की बात है? बीजेपी से पावर स्टार पवन सिंह जी को टिकट मिल चुका है। मिल गया भैया, 100% नहीं 500% कंफर्म है कि टिकट कंफर्म हो गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही दीपक भैया के कॉल आया था। तो बात हुआ तो बोल रहे का रे बबुआ तो नहीं सुतले बड़ा सन, पावर स्टार पवन सिंह जी का टिकट मिल चुका है, कंफर्म हो गया, वो भी बीजेपी से। कमल छाप, कमल छाप पे बटन दबाना है और पवन भैया को बीजेपी। चलिए इस वीडियो में बताएंगे भैया कहां से टिकट मिला है, कैसे कंफर्म हुआ, क्या हुआ, बताइए। सबसे पहले तो प्रिंस मस्ती ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। मैं शुभम, आज मैंने ही होस्ट कर दिया इसके चैनल को मैंने ही होस्ट कर दिया क्योंकि इसका चैनल हो मेरा चैनल सब एक ही लोग है। तो ये प्रिंस है, मैं शुभम हूँ जैसा कि आप सबको पता है। और बीजेपी से पावर स्टार पवन जी को टिकट मिल गया है। कहां से? तो वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में आसनसोल से। आसनसोल से तो बहुत जल्द हम लोग सब कोई आ रहे हैं आसनसोल, वहां पे भी बंगाल में आकर के धमाल मचाएंगे, गर्दा मचाएंगे, सब लोग पहुंचेंगे और सब कोई पहुंचेंगे। पावर स्टार पवन सिंह जी को इन साल भैया बीजेपी से टिकट के साथ साथ उनको विजयी भी बनाना है, एकदम सांसद बनाना है। ऑलरेडी 3 सांसद भैया है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, 3 सांसद भैया है, मनोज तिवारी भैया है, दिनेश लाल यादव भैया है। तो अब पवन भैया के पास चौथा नंबर है पावर स्टार पवन सिंह जी का। पिछले साल पिछले बार भी मिला था टिकट, सॉरी पिछले बार भी चुनाव का वो हुआ था लेकिन टिकट नहीं मिला था कुछ लोगों की वजह से, थोड़ा सा 2-5 हो गया था उसमें, 2-5 कर दिया गया था, लेकिन अब की बार कंफर्म मिल गया। लेकिन बहुत सारे लोग को डाउट था कि कंफर्म हुआ है, टिकट मिला है कंफर्म कि नहीं, कंफर्म मिला है, कौन सा पार्टी से लड़ेंगे। तो भैया एकदम सब चीज कंफर्म हो चुका है क्योंकि दीपक भैया खुद कॉल किया और हम लोग पहुंचेंगे भी पश्चिम बंगाल। और जहां जहां भैया पावर स्टार पवन सिंह जी जाएंगे, एक एक पल पल की आप लोगों की खबरें दिखाएंगे, कहां मिल रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, कहां पे पहुंच रहे हैं, एकदम सब चीज आप लोग को दिखाया जाएगा। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा, कहीं से भी कोई भी देख रहे होंगे भैया तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह भैया दिल के इतने भोले, इतने साफ इंसान है। यही तो एक कारण है कि आप लोग उनको वोट दीजिए। हाँ, कि उनके अंदर छल कपट, प्लस पॉइंट है कि छल कपट उनके अंदर नहीं है, एकदम दिल का भोला आदमी, कुछ जो मन में बोल देते हैं साफ मुंह पे, और वो उनके अंदर नहीं है, वो भर भर के आपकी सेवा करेंगे। एक बार मौका दीजिए, एक बार अवसर दीजिए, जिस तरीके हमारी गारंटी है, प्यार और सपोर्ट देते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसी तरीके से भैया राजनीतिक में भी आप लोग को देना, सपोर्ट देना है। आसनसोल से टिकट भी मिल जाएगा और कन्फर्म है, और एकदम कन्फर्म, पूरा कन्फर्म के साथ, ये नहीं कि हम लोग हवाबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, एकदम कन्फर्म है। अभी भैया अपने ऑफिशियल आईडी से भी पोस्ट करेंगे, थोड़ा वेट करिए, बस तो पता चल जाएगा, बस गर्दा बचेगा, बंगाल आएंगे, बंगाल भी, बंगाल चलेंगे, बंगाल चलेंगे, बंगाल जाबू छे, कैसे बोल रहे हैं, बंगाल जाबू छे, पता ना क्या बंगाली में, अभी तुम आके भालो माछे, वो तो प्यार वाला कुछ प्यार है। तो ये हम अपने जितने भी आसनसोल की जनता है उनको लिए, उनके लिए बोल रहे हैं, भालो माछे, मतलब मैं हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आ रहे हैं उस प्यार को दिखाने आसनसोल बहुत जल्द अपने पवन भैया के साथ। जो जो लोग आसनसोल से होंगे भैया कमेंट करिएगा, और जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करिएगा, कौन कौन भैया को सपोर्ट कर रहा है एक बार जरूर आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पावर स्टार पवन सिंह तो हवा है, हवा रोके चले पवन, तो रोके कवन, रोके कवन, चलिए बताया है, पूजा बिना हवन के या भोजपुरी बिना पवन पवन के, तो राजनीति भी बिना पवन के नहीं चलेगा नहीं चलेगा, टिकने नहीं देगा। अरे हम लोग काफी है भैया, टेंशन नहीं लेने का, इतना हाईलाइट करेंगे कि पल पल जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं उनको, वो जानता है कि वो क्या चीज है, हम लोग बस एक दिन रात खड़े रहेंगे भैया के लिए, छोटा छोटा स्टेप है उनका, छोटे छोटे कदम है उनका, कोई बाह है उनका, कोई लात है, कोई केस है, कोई कान है, हम लोग ये बस हम लोग सब कोई मिल करके उनका बनाए ऑर्गन्स है, उनके बॉडी के पार्ट है, हम लोग बस दबा के प्यार दीजिए और खूब सारा वीडियो शेयर करिए। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रहा है भैया, कंफर्म नहीं हो रहा, कंफर्म हो गया, चलिए बाय बाय।